नमस्कार, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम जाने वाले हैं एक एग्जीबिशन में जो गणेश गोहेन जी का है, और ये एग्जीबिशन फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में 9 से लेकर 13 तारीख तक इसका आनंद लिया जा सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इस तरह के एग्जीबिशन व अन्य आर्ट वर्क कैंप्स के लिए व इस चैनल पर बहुत सारे कलाकारों के साक्षात्कार उपलब्ध हैं, इवन गणेश जी का भी साक्षात्कार उपलब्ध है जो 8 एपिसोड में हैं। आपको उनके काम को समझने के लिए आप अगर वो एपिसोड्स देखेंगे तो आपको उनके काम बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो हम चाहेंगे कि आप शेयर करते रहें और कमेंट्स के माध्यम से आप अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर वीडियो के अंत में। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं गणेश दा के बहुत ही अमेजिंग वर्क्स हमें देखने को मिल रहे हैं। पेंटिंग्स की तो बात ही निराली है कि जब हम देखते हैं कौन सा लेयर पहले अप्लाई किया हुआ है, कौन सा लेयर बैकग्राउंड का है या कौन सा लेयर बाद में लगाया गया है, ये एक आश्चर्य में डाल देता है। और ऐसे हम देखें तो हमें एक इल्यूजन सा क्रिएट होता है इनके मटेरियल्स में, जो कि मटेरियल्स का एक इल्यूजन है। क्या वो मेटल है, क्या वो वुड है, किस चीज़ों का इस्तेमाल तो किया गया अभी है। हम हैं गणेश गोहिंदा के शो में और उनके अमेजिंग वर्क अमूर्तन शैली में किए हुए काम हैं, पोर्ट्रेट्स हैं। इवन हम जब काम देखते हैं तो एक जो मिस्ट्री क्रिएट होती है इनके काम को देखकर कि जो इल्यूजन जैसा, तो इसके लिए एक अलग तरह का अप्रोच मेरे ख्याल से आर्टिस्ट हमेशा करता आया है। और काफ़ी सारे लोग हैं, और हम बता दें कि ये एग्जीबिशन सोलो शो आफ्टर 24 ईयर्स बाद हो रहा है। और ये फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा में 9 से लेकर 13 तारीख तक इसका आनंद लिया जा सकता है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी मित्र बड़ौदा में हैं वो लोग अवश्य जाएं, एग्जीबिशन में देखें, उनके काम का आनंद लें, क्योंकि ये अनुभव मुझे नहीं लगता आपको दोबारा प्राप्त होगा। और ये कुछ टेक्स्ट हैं जो आप लोग रीड कर सकते हैं, मैंने बहुत धीमे धीमे मूव किया है, सब जगह नहीं, कुछ कुछ जगह पर। तो आप लोग काम का आनंद लेते रहें, और हमें पता है कि आप लोग शेयर भी अवश्य करेंगे, क्योंकि आज के डिजिटल युग में एक फिंगर टिप पर शेयर के ऑप्शन रहते हैं। अगर आपके मित्रों में से किसी को आर्ट में रुचि है या कोई आर्ट के विषय में जानना चाहते हैं तो इन वीडियोस को अवश्य शेयर करें। उन अभिभावकों से मैं कहना चाहूँगा जिनके माता पिता कला के क्षेत्र में नहीं हैं या जिनके बच्चे कला के क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, वो भी अपने आसपास रिलेटिव्स को भी ज़रूर सेंड करें, क्योंकि कई माता पिता के मन में ये सवाल होते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर या पढ़ने के बाद क्या करेंगे। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है इस तरह की चीज़ें देखने के लिए, और उन अभिभावकों को भी इस एग्ज़िबिशन में आना चाहिए। इस एग्ज़िबिशन में क्या सभी एग्ज़िबिशन्स में जाना चाहिए, उनको एटलीस्ट ये जानकारी होनी चाहिए कि जब कॉलेज से कोई बच्चा निकलता है उसके बाद की क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं। और ये सपोर्ट हम लोगों को तो नहीं मिला, पर बहुत सारे लोगों को ये अनुभव होता है। तो देखिए कितनी बारीकी से क्या आप पता लगा पा रहे हैं इसमें कौन सा लेयर पहले लगा है, कौन सा लेयर बाद में लगा है, ये आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं यदि आपको पता चलता है तो। और बारीकी देखिए, एक ज़बरदस्त अलग तरह का फील है। हम सेकंड काम में जैसे जाएंगे तो उसमें इसका टाइटल है जलियांवाला बाग का कुछ संदर्भ है इसमें, और इसमें जो ये डॉट्स स्पॉट हैं, राउंड स्पॉट हैं, हम आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखेगा, ये सब निशान जो गोलियों के निशान हैं पत्रे पर लगे हुए जो हॉलो हैं, वो सारी चीज़ें उसमें। कल जब गणेश दा बात कर रहे थे तब हमने वो कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे तब हमने ये सुना, ये जो इसमें राउंड स्पॉट हैं ये सब गोलियों के निशान हैं। तो आप समझ सकते हैं आर्टिस्ट किस हद तक जाकर अपने विचार रख सकते हैं अपने काम के प्रति। तो
तो इसीलिए कभी जब आप एग्जीबिशन में जाएं, हर एक काम को बड़ी बखूबी ध्यान से देखें। हर एक काम कुछ ना कुछ मैसेज आपको देता है, आपको बस उन मैसेजों को पढ़ने की, समझने की ज़रूरत है। तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक, और दूसरों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कल काफ़ी सारे सीनियर्स मिले जिनसे शायद मुलाकात 7-8 साल बाद हुई, या किसी की 10 साल, किसी से 10 साल बाद हुई। और ये जो ऑब्जेक्ट्स जो भी गणेश जी बनाते हैं, या उसमें एक इल्यूजन स्टिक क्वालिटी है, जैसे वो प्योर गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है उस पैर में, और ये इल्यूजन उनके सभी चीज़ों में है। और दूसरा कि जो बारीकी से उन्होंने काम किया है, जो आने वाले आगे कामों में आपको दिखेगा, मैं कैमरा क्लोज ले जाकर भी आपको दिखाऊंगा, तो उतना पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, उतना ध्यानपूर्वक उन कामों को समय देने की उतना ज़रूरत है। और देखिए आप कितनी बारीकी से यहाँ काम किया हुआ है। तो आप लोग आनंद लीजिए, फिर मुलाकात होती है वीडियो के अंत में। हाँ, जैसे कि हम इस काम पे ध्यान देंगे, और इसमें कितने बारीकी से काम किया हुआ है, जब हमने गणेश दा से इस बारे में पूछा तो उनका ये कहना था, ये सभी समय हैं, जो समय उन्होंने अपने अनुभवों को, अपने कार्यों को इस तरह से समय देकर काम किया है, तो ये अलग अलग समय का एक अलग अलग फेज़ है, ये स्केच बुक के पार्ट हैं। तो कितनी खूबसूरती से, और यहाँ हम आपको क्लोज ले जाकर दिखाते हैं कितनी बारीकी से ये काम किया हुआ है। होप आप लोग अवश्य देख पा रहे होंगे। तो समय जो है एक कलाकार के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि उनका काम। एक हर एक फेज़ का एक अलग लैंग्वेज है, एक अलग परिभाषा है, इसको आप महसूस कर सकते हैं, इसमें कितने लेयर्स हैं। यही काम की खूबसूरती है, और यही अमूर्तन की खूबसूरती है।
लेकिन मैं बोलता हूँ एब्स्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ द एसेंस ऑफ द फीलिंग्स द रियल आप उसको ध्यान से देखेंगे. मैंने टाइप बोला था रिफ्लेक्शन. द रिफ्लेक्शन किसका रिफ्लेक्शन रोज थॉट्स इज एब्स्ट्रैक्ट नॉट द विजुअल्स. विजुअल माइंड द रियलिटी और द रियल और तो आज हम यहाँ पे हैं आपके सोलो शो में बहुत समय बाद. उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. बहुत समय बाद तो आप इस एग्जीबिशन की कुछ प्लानिंग और क्या? बहुत दिन से प्लानिंग है एक्चुअली. मैं इसलिए बोला हमेशा ये बहुत इमोशनल हो जाता है ना तब बिकॉज इट्स माय गुरुकुल. ये मेरा जगह है. मेरा इसलिए जगह बोलता हूँ कि इसमें समय मेरा इधर ही बिताया जा रहा है तो इमोशनल हो गई ना और एक्साइटमेंट भी था. अभी भी है इसमें हमेशा रहेगा. मैंने एक बार बोला था एक इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू था. देन मैंने बोला था कि व्हेन असम इज डेवलपिंग गुजरात इज यशोदा फॉर्म. गुजरात मेनली द बड़ौदा इज गुरुकुल. यहाँ हमने एक अलग सा अनदर लाइफ मिला है. बिल्कुल सो ऐसा है पूरा कहानी. और दूसरा बात ये टाइटल ऑफ दिस वर्क कॉल व्हेन आई सी इन द मिरर आई सी द एब्स्ट्रैक्ट. उस समय से अभी तक मेरा जो चेंजेस है उस चेंजेस को मैंने कोशिश किया था. ये हर एक समय टाइम है मेरे लिए पेंटिंग. मेरे लिए पेंटिंग्स टाइम है. आपको पहले भी शायद ये बोला था स्कल्पचर्स टाइम है. ड्राइंग एक टाइम है. ऑल अ टाइम टाइम का निर्भर से ऑल ऑल्सो द परसेप्शन इज इंडिविजुअल परसेप्शन. लाइक इफ आई से ड्राइंग इफ इट मे बी एक स्कल्पचर आई कैन से ड्राइंग डिपेंड ऑन द हाउ आई रियलाइज इट स्पेस टाइम. जो मटेरियल्स को लेके जैसे वो वुड है क्या है हमें पता नहीं चलता लेकिन वो मटेरियल है ना एकदम मेटालिक. ऐसे इससे फॉर मी आर्ट इज ए इल्यूजन. बिल्कुल हाँ वही इल्यूजन. तो इसलिए मैंने यूजर हिसाब से मैंने हमेशा ट्राई किया. तो मैं इसलिए मैंने मीडियम को नॉर्मली नहीं बोलना चाहता हूँ हाइट का. वो भी एक मेटाफोर. बिल्कुल वो भी मेटाफोर. आपको वो एक शॉकिंग होगा ना दैट विल हर्ट यू दैट नॉट हर्ट यू दिस टच यू. हाथ नहीं कहेंगे टच करेगा. टच करेगा तो वो लाइक दैट. थैंक यू बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू. दोस्तों ये एग्ज़िबिशन की बात ही निराली है. बहुत अच्छा लगा इस एग्ज़िबिशन में. आप सभी को कैसे लगे ये वीडियो और ये सारे काम आप लोग ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा. फिर मुलाकात होगी. नमस्कार.